नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिकित्सा टीम ने दुकानों से तेल और सेब के लिए सैंपल। आईसीडीएस की महिला अधिकारी कर्मचारियों को कानूनी जानकारियां देकर किया जागरूक। रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिक माइनिंग फॉरमैन बनकर कर रहे हैं अवैध वसूली। और धनेला गांव में देशी शराब बनाने के लिए रखा महुआ किया नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को चिकित्सा की टीम ने बांसवाड़ा शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में दुकानों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि मैसर्स कोठारी आयल फूड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया ठीकरिया में जांच टीम ने रिफाइंड सोयाबीन तेल चेटक ब्रांड का नमूना जाँच के लिए लिया। टीम ने वागड़ सेब भंडार इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची, जहां से नमकीन सेब बनाई जा रही थी, जिसके भी नमूने लिए गए। उसके बाद वीरांगना टॉकीज के पास स्थित विकास ब्रदर्स दुकान से रिफाइंड सोयाबीन तेल परी गोल्ड के नमूने लिए गए। तीनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए। वहीं रसद विभाग की ओर से दो पेट्रोल पंपों की जांच की गई, जिसमें शुभम्मा जी के एसके पेट्रोल पंप एवं संजय पेट्रोल पंप की जांच की गई। प्रवर्तक निरीक्षक सोहन सिंह चौहान ने बताया कि पैरामीटर लिमिट में पाए गए, जिसमें सभी पेट्रोल पंपों पर डेसेंटी पेपर टेस्ट एवं 5 लीटर माप से जांच करने पर मात्रा में कोई अंतर नहीं पाया गया। टीम में सोहन सिंह चौहान, लाल शंकर डामोर, धर्मेंद्र रोत एवं मापतौल अधिकारी अशोक मित्तल मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा सप्ताह के दूसरे दिन गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सहलोत ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला अधिकारी व कर्मचारियों को कानूनी जानकारियां देकर जागरूक किया। उनको कार्यस्थल पर उनके अधिकार, किसी भी तरह के प्रताड़ना होने पर कानूनी अधिकार आदि बताए गए। सचिव सहलोत ने महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए कई कानून पारित हुए। अगर इतने कानूनों का समुचित पालन होता तो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाता, लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सकता। आज हालात यह है कि किसी भी कानून का पूरी तरह पालन होने के स्थान पर कुछ ही कानूनों का पालन हो रहा है, लेकिन भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों की कमी नहीं है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए पीड़ित प्रतिकर एवं विधिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी होना अति आवश्यक है। घरेलू हिंसा व संविधान में प्रदत्त अधिकारों एवं भरण पोषण के बारे में कानूनों की भी चर्चा की गई। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप है, उसके बारे में विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर विभाग के संरक्षण अधिकारी मोतीलाल मीणा, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की पूजा मखीजा, अरुणा चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खनन विभाग में अब नेशनल हाईवे 8 पर खनिज से निकलने वाले ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सॉफ्ट स्टोन की रॉयल्टी ठेकेदार की ओर से हाईवे पर वाहनों को रोककर अवैध खनिज एवं मिनरल ले जाने की धौंस दिखाकर वसूली की जा रही है। रॉयल्टी ठेकेदार चेतक मिनरल की ओर से खिरवाड़ा टोल नाके के पास अवैध वसूली की जा रही है। इसके लिए ठेकेदार की ओर से 8 से 10 वाहन भी लगाए गए हैं। शिशौद के पास एक ट्रक चालक, खलासी और परिवहनकर्ता ने बताया कि उनका वाहन क्ले चाइना को उदयपुर के आगे से भरकर गुजरात पहुंचाना था। ड्राइवर राधेश्याम कीर ने बताया कि ट्रक को रॉयल्टी ठेकेदार के आदमियों ने खेरवाड़ा स्थित खांडी ओबरी टोल नाके के पास रुकवाया, जहां पर वाहन में मौजूद परिवहन के खनन संबंधित कागजात दिखाए। रॉयल्टी ठेकेदार वाहन RJ27UH6907 में सवार लोकेंद्र सिंह ने कागजात दिखाते हुए उसे गलत बताकर अपने पास रख लिए। वाहन को टाड़ी ओबरी के पास ही रात 12 बजे रोक दिया गया। राधेश्याम ने रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिक को कई बार कागजात पूरे होने के साथ वापस लौटाने की बात कही, इसके बावजूद ठेकेदार के आदमियों से अवैध परिवहन बताते हुए पैसा मांगने लगे। ठेकेदार के कार्मिक ने सेठ से लेन देन के लिए बुलाने की बात कही, जिस पर चालक ने रात को सेठ को नहीं उठाने की बात कहते हुए ट्रक साइड में लगाकर सो गया। दूसरे दिन ट्रक को खेरवाड़ा से सिशोद में ले आए, जहां से उसके सेठ से पैसों की मांग करते रहे। बाद में उसे पैसा नहीं मिलने पर खनन विभाग को सूचना दी। इसके बाद खनन विभाग की ओर से फॉरमैन शांति लालहानी ने ट्रक की जांच करने पर उसके पास कागजात नहीं मिले। उसने कागजात की जानकारी ली तो ठेकेदार के कार्मिक आधे घंटे में आकर दे गए।
पुलिस ने गुरुवार को धनेला गांव में कार्रवाई कर 500 लीटर महुआ वॉश को जब्त किया। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के धनेला गांव में देशी महुआ शराब बनाने हेतु महुआ वॉश को एकत्रित कर रखा है। गौतम पुत्र गांगजी के खेतों के बाड़े में, रूपा पुत्र गांगजी के खेत की झाड़ियों में एवं अन्य किसी के निर्माणाधीन मकान के पास छोटे बड़े ड्रम में अवैध देशी महुआ वॉश छुपा कर रखा हुआ मिला। मौके पर कोई मौजूद नहीं मिला। करीबन 3 स्थानों पर छुपा कर रखा गया अवैध महुआ वॉश से लगभग 500 लीटर देशी शराब बनाई जा सकती है। मुखबिर सूचना पर हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, कीरेंद्र सिंह, शंकरलाल की टीम मौके पर पहुंची। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।